चाइनीज बहू। क्या हो रहा है ये देश में? चाइना ने तो आतंक ही मचा रखा है। अरे क्या हो गया, क्यों चाइना को कोसता रहता है? भूल मत, तेरी ससुराल चाइना की ही है। हाँ माँ, पर ये देखना, लड़ाई झगड़े ये बीमारी, ऊपर से ये देश कितना चालाक है, अंदर न जाने क्या क्या करता रहता है। तभी अंदर से बहू की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, ये देखिए, ये रूस ने यूक्रेन की हालत क्या कर दी है। ऊपर से चाइना में दोबारा लॉकडाउन लग गया है। माँ जी, अब क्या किया जाए? अरे तो तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। वो क्या है ना माँ, हम लोग चाइना जाने की सोच रहे थे, सांगसू के भाई की शादी है। तो क्या, अरे कौन सा उन लोगों के यहाँ भाई घोड़ी चढ़ता है जो बहन काजल लगा कर नेक लगी। माँ जी, उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी है, उसमें या तो पुतली रह सकती है या काजल। साले की पुतली निकाल कर काजल लगा दो, अंधा कहीं का। क्या क्या बोले तुम मेरे भाई के बारे में? अरे नहीं नहीं बहू, वो तो बोल रहा था कि तुझे नेग मिल जाएगा, हैं बहन है ना तू उसकी। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब समझती, ये मेरे भाई का मजाक बनाते रहते, कितना शीरा है मेरा भाई, बिल्कुल छिपकली जैसा। नहीं नहीं बहू, सीधा गाय जैसा होता है। सही पकड़े हैं माँ जी। तो मेरे भाई की शादी है, मैं चाइना जरूर जाऊंगी। तभी एक पड़ोसन आ जाती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू कहीं ना जा, हम लोगों का मन कैसे लगेगा तेरे बिना। ले बहू, तेरे भाई के लिए ये शॉल रख ले, हमारी तरफ से गिफ्ट कर देना। अरे सब कितने अच्छे हैं, मेरी चाइनीज बहू को कितने प्यार से तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, सच में बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं। कैसी बात कर रही है, ये तो हम लोगों के देश की एक खूबसूरती है कि हर किसी को दिल से अपना लेते हैं, बस वो भी दिल से हमें अपना समझे। कैसी बात कर रही है आंटी जी, मेरे लिए आप सब सासू माँ जैसी ही है। मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है, ये सबसे अच्छा देश है, मेरा भारत महान। वैसे भी लड़की की शादी जहाँ होती है वो तो वहीं की हो जाती है ना। जी तेरे बहू सही बोल रही है, औरत तो होती ही पानी की तरह है, जो जहाँ जैसे रखे वैसे ही शेप ले लेती है। आंटी जी, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, मैं चाय बना कर लाती हूँ। फिर क्या, वो दिन भी आ जाता है जब बेटे बहू को चाइना जाना पड़ता है। वहाँ जाकर बहू का भाई कहता है, मेरी बहन आ गए। मैंने सबको बोला कि सब हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो बहन नाराज हो जाएगी। थैंक्स बॉय, हिंदी मेरी भाषा है, आप मुझे उसी में बात करना अच्छा लगता है। आपने जीजा जी से मिलो। ओ बहन, तुम अंदर चलो। सभी बहू को अंदर लेकर चले जाते हैं, लेकिन सांगसू का पति, वो तो बेचारा चाइना के ससुराल की आंगन में अकेला खड़ा रहता है। काफी देर तक जब कोई उसे नहीं पूछता तो वो माँ को घर पर फोन करता है। हाँ बेटा, पहुँच गए ना कुशल मंगल। हाँ माँ, लेकिन सांगसू पता नहीं कहाँ है, वो तो अंदर गई है तब से बाहर आई ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहा है, तो तू अंदर चला जा, तू बाहर क्यों है? अरे दामाद है तू वहाँ का, उन लोगों ने तुझे बिठाया, चाय पानी कुछ नहीं पूछा? नहीं ना माँ। तभी सामने से सांगसू आती है। क्यों आप अभी तक तैयार नहीं हुए, और ये बैग लेकर क्यों कमरे से बाहर आए? इसे वहीं रख देती। कमरा, कौन सा कमरा? अरे कैसी बात कर रही हो, जब से तुम अंदर गई हो मैं बाहर ही तो खड़ा हूँ। बहू को बहुत हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। तभी उसका भाई और माँ आ जाते हैं। अरे सांगसू, अंदर खाना लग गया है, पहले ये बताओ कि मेरे पति को किसी ने खाना या पानी क्यों नहीं पूछा? वो भारत से ससुराल पहली बार आया है, वो भी मेरे कहने पर, उनकी इज्जत क्यों
देख बेटी, तूने जबरदस्ती जिद में शादी की थी तो हम लोगों ने कर दी, लेकिन अब तुम ये सोचो पूरी चाइना में मैं इस इंजन को अपना दामाद बताऊं? So sorry. हाँ संगसो, और तुम भी चुप रहना, नहीं तो वो लोग मेरी शादी तोड़ देंगे। ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं बाहर होटल में रह लेता हूँ, तुम वही करो जो ये लोग चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हो, शादी के बाद पति जैसा भी हो जो भी हो पति होता है, वैसे भी तुम्हारे पूरे परिवार ने सबने बिना सोचे मेरा साथ दिया, मुझे एक्सेप्ट किया और प्यार किया, मैं अपने देश में आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? ये हिंदी फिल्म का ड्रामा बंद करो, मैं अभी अब बर्दाश्त नहीं करूँगी, छुप छाप अंदर चलो, नहीं तो ये शादी वादी यहीं खत्म करके इसे अकेले ही इंडिया जाना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो माँ, ये मेरे पति हैं। है नहीं छा, हम लोगों ने यहाँ वकील को बुला लिया है, जिसके बाद अब तेरा ठलाक खड़ा के हम यहाँ के चाइनीज लड़के से तेरी शादी करा देंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो, हम तो यहाँ तुम्हारी शादी के लिए आए थे। नहीं नहीं, मैं सांगसू के बिना नहीं रह सकता हूँ। हाई वोल्टेज ड्रामा होने के बाद से ही सारा माहौल खराब हो जाता है कि तभी एक लड़की आती है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, सांगसू की शादी का मंडप परसों लग जाएगा, तब तक इसके पति को कमरे में बंद कर देते हैं। सभी सांगसू के पति का हाथ बांध कर उसे कमरे में बंद कर देते हैं। ये खैर कानूनी है, आप लोग मेरे पति के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, ये साफ बात है। पहले मैं अपनी शादी करूं, फिर तेरी भी शादी करवा दूंगा। सब कुछ तय हो जाता है, भाई की शादी हो जाती है, फिर वो दिन भी आ जाता है जब सांगसू की शादी वो लोग जबरदस्ती करने के लिए उसे मंडप पर ले जाते हैं। ऐसा मत करो, ये मेरी बीवी है, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी शादी, शादी तो तेरा बाप भी करेगा। मैं करूंगा शादी, प्लीज कोई मेरी शादी किसी अच्छा औरत से करवा दे। चाप, बिल्कुल चाप। फिर माँ सांगसू और उसके पति से कहती है, तुम लोगों का बच्चा मेरी कैद में है, अगर तुम लोगों ने कोई भी होशियारी की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। दोनों माँ का रूप देखकर हैरान हो जाते हैं, बच्चे की खातिर दोनों शांत हो जाते हैं और शादी की रस्में शुरू हो जाती है कि तभी सांगसू की सास पुलिस के साथ आ जाती है। माँ, ससुर माँ गई, मेरी माँ गई, माँ प्लीज हम लोगों को बचा कर वापस ले चलो। पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। बेटी के बच्चे को मारने की धमकी तो कोई चुड़ैल ही दे सकती है। अरे तो ये चुड़ैल ही तो है। ये सही बोल रहे हैं, ये औरत किसी चुड़ैल से कम नहीं है। तभी उन लोगों का बच्चा भी आकर सांगसू के गले लग जाता है। माँ तू सही समय पर आ गई, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि यहाँ ये सब हो रहा है? बेटा ये चाइनीज लोग ना होते ही धोखेबाज हैं। इन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तेरे फोन को हमेशा के लिए मेरे फोन से अटैच कर दिया था, जिससे तेरे आसपास होने वाली सारी बात मैं सुनती रहूं। उस दिन भी मेरी तेरी बात हो रही थी तो तेरा फोन ऑन था, मैं सब समझ गई थी। मुझे माफ कर दो। नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए माँ जी, इंडिया वापस चलते हैं, आज की बात में यहाँ कभी